सावधान, आपके अगल बगल घूम रहा शादी के बहाने लूट करने वाले गैंग। सुल्तानपुर जनपद में लड़की दिखाने के बहाने लूट लिया लड़के का पूरा घर। रिश्तेदारी का चोला पहने लुटेरों ने मिठाई खिलाकर पूरे परिवार को किया बेहोश। घर से उड़ाया लाखों का माल, सुबह बेहोशी से उठने पर लगा झटका। जी हाँ, सावधान, अगर आपके घर भी कोई रिश्ता लेकर आता है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इस समय एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो नई रिश्तेदारी जोड़ने के बहाने लूट को अंजाम देता है। विश्वास ना हो तो इस खबर को अंत तक देखिए। खबर को देखने के बाद आप शपथ ले लेंगे और अज्ञात रिश्तेदारों की नो एंट्री कर देंगे। दरअसल शुक्रवार रात सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ थाना इलाके के सखौली गाँव में रहने वाले राजभजन के घर दो रिश्तेदार आए। राजभजन के घर आए रिश्तेदार राम भजन के बेटे से अपनी बेटी की शादी की बात करने आए और रात वह रुक गए। दोनों अज्ञात रिश्तेदारों ने राम भजन को शादी की बात कर लड़का लड़की की दिखाई तय कर ली, लेकिन कुछ देर बाद राम भजन को बताया कि उसके घर पर भूत का साया है। ऐसे में वो लोग बाजार जा रहे हैं और तंत्र मंत्र से वह भूत का साया हटा देंगे। राम भजन मान गया, जिसके बाद दोनों मेहमान बाजार गए और शराब मिठाई अगरबत्ती लेकर आए। पूजा पाठ के बाद राम भजन और पूरे परिवार को मिठाई खिला दी और जैसे ही राम भजन और उसके परिवार ने मिठाई खाई, सब बेहोश हो गए और दोनों अज्ञात मेहमान घर में रखे 60,000 रुपए और जेवरात लेकर फरार हो गए। जब सुबह राम भजन बेहोशी से जागे तो देखा कि वह लूट चुके हैं। एक कैसी घटना हुई आपके यहाँ? हमारे यहाँ कल दो अज्ञात लोग आए थे उनके लड़के की शादी के लिए। किसके यहाँ? नाम निहोर पाल के यहाँ। तो कल ही आए थे, रात उनके यहाँ रुके थे और उसके बाद उनको बाजार ले जाके मीठा और दारू और अगरबत्ती वगैरह लेकर आए। बोले फिर के ऊपर कुछ बड़ी चक्कर है, हम लोग देख भी लेते हैं। तो वही देखने के बाद में मीठा में उनको पॉइजन खिला कर सभी लोगों को बेहोश कर देंगे। रात में इनके घर का ताला तोड़ कर लाइट बंद करके लूटपाट की लगभग जो है 50-60 हज़ार के लगभग नगद और जेवरात जो है हादसा करेंगे। तो सुना आपने, नई रिश्तेदारी के नाम पर कैसे पूरे परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की गई। प्रधान प्रतिनिधि की सूचना पर मौके पर 112 पहुंची और जांच शुरू की। वहीं मिठाई खाने वाले लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लंबुआ पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस इस बात का पता लगा रही कि आखिर लूट करने वाले किसी गैंग की हिस्सा थे या फिर वही दोनों ही गैंग चलाते हैं। सुल्तानपुर से निसार अहमद की रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।